नमस्कार, मैं हूं अमन पर, आप देख रहे हैं मगध लाइव। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार के गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के चपरी गांव में, जहां मुहर्रम की दसवीं का त्यौहार बहुत आप जानते हैं कि आज मुहर्रम की दसवीं है और जोरों शोरों से जुलूस निकल रही है। और इतनी बेहतरीन इस भारत की खूबसूरती, जहाँ की खूबसूरती जो धर्मनिरपेक्ष देश है उसका प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे ये चपरी का प्रांगण। और आइए इसी खूबसूरती को हम दिखलाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जाता हुआ ताजिया, सभी ताजिया में बहुत ही परिश्रम करके शिद्दत से लगन से बनाया गया है इसे। और लगातार जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बीते तीन दिनों से लगातार रात दिन करके लगे हुए ताजिया बनाने में, और उसकी खूबसूरती आपको आज देखने को मिलती है दसवीं के दिन। और इसी यही कारण है कि पूरे तांता लगे रहते हैं इस ताजिया को देखने, और एक दूसरे को ताजिया देख के बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे लोग झूमते हैं और या हसन हुसैन का नारा लगाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष का देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के त्यौहारों को मनाते हैं, ठीक वही दृश्य आज आपको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो दूरत दृश्य ये आज का जो मुहर्रम की दसवीं के दिन होती है। फिलहाल अभी ये अभी ताजिया से एक दूसरे का ताजिया को दिखलाया जाता है और मुकाबला किया जाता है कि किसकी ताजिया खूबसूरत है। और संध्या बेला को क्या होता है कि यहाँ पे एक मेला लगता है, और मेला के दरमियान सभी भाई, हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ मिल के सभी एक दूसरे को खिलाते पिलाते हैं और आपस में भाईचारा मिल के बनाए रखते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, तो चलिए सीधे उनके पास चलते हैं। उसके नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी। जी शहाबुद्दीन अंसारी जी, बताइए कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? असल में ये त्यौहार जो है हक और बातिल, यानी झूठ और सच का दुनिया में जब से पैगाम रखा गया उसको ये पूरे तौर पर रिफ्रेश किया गया था कि हक और बातिल, आखिर दुनिया में कौन सही और कौन गलत है, क्या सही और क्या गलत है। इस बिना पर मोहम्मद पैगंबर के जो नवासे हुसैन थे, हसन हुसैन जी, दोनों हसन और हुसैन थे, उनके सामने जब वो जब दुनिया में अमन शांति और दीन हक इस्लाम का जब पैगाम लाया कि दुनिया के तमाम बुरे चीज़ों को छोड़कर एक बेहतर रास्ता अपनाया जाए जिसके लिए सबको अमान व अमान और हुस्न जमील मिले, जिसके वजह से उसने उसके दौर हुकूमत के दरमियान एक ऐसी कौम थी जो इस बात को तस्लीम करने से इनकार थी कि ये जुआ शराब या फिर कत्ले आम या फिर औरतों के साथ मामला, ये सब कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बिल्कुल ये सच और सही है। जिसको अहले बैत जो थे इस्लाम के नवासे जो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे हुसैन आज़म और हसन ने, इन्होंने कहा कि नहीं ये बातिल है और ये गलत है, इसको छोड़ना है और इसको पकड़िए, इसको बैत कीजिए। तो उन्होंने इस पर तस्लीम भी किया, और तस्लीम करने के बाद इसका खिलाफत करने के लिए उसको कत्ल और पूरे तौर पर अमन को ख़त्म कर देने के लिए लोग यजीद चाहे, और उनको इस तरह से जलील व ख़ार किया गया करबला के मैदान में कि इस्लाम मिट जाएगा। लेकिन ऊपर वाला का ये शान था कि उनके शहादत के बाद भी आज पूरी दुनिया में इस्लाम इस तरह गालिब हो गया है कि ये समझ रहा है कि बातिल और हक कौन है, गलत और सही क्या है, अमन और अशांति क्या है, ये पूरी दुनिया इस चीज़ को आज मान रही है। इसका मिसाल हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ये मिल रहा है कि हमारे गांव-गांव में हिंदू मुसलमान दोनों पैक की शक्ल में और हिंदू इमाम हुसैन को मनाते हैं कि नहीं हक पर ये थे और इनको मानना चाहिए। जी तो आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ अधिकांश हिंदू लोग बैग लगे हैं, तो ये भारत की जो धर्मनिरपेक्ष की खूबसूरती है कि यहाँ सभी धर्म को आपस में मिलजुल के सभी त्यौहार को मनाते हैं, तो इस खूबसूरती को आप किस रूप में देख रहे हैं? जी ये तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है और आज भी जीत है। दुनिया चाहे जितना नफरत की निगाहों से हम दोनों के बीच बांटना चाहे, लेकिन हो नहीं सकता, ये हुसैन का पैगाम दिया हुआ है और कभी नहीं होगा। यही वजह कि आज खुश दिली से हमारे गांव से लेकर हर गांव के तकरीबन मैं देखता हूं, बिहार के तकरीबन या पूरा हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर इस त्यौहार को इस तरह कांधे से कांधे मिला करके करते हैं कि पूरे तौर पर एक मोहब्बत और एक अमन शांति और एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आए दिनों हम जो रिपोर्ट में देखते हैं कहीं दंगे फसाद, बिल्कुल उससे हटके हिंदुस्तान हमारा है, बिल्कुल उससे हटके हमारा ये हिंदुस्तान है, जो वास्तविकता हिंदुस्तान है जो यही है। बिल्कुल। सबसे वादी सिंध से जब ये तहजीब चली थी उसके बाद हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ बसते गए,
और बसते बसते इस कदर फैला हुआ कि आज तक मोहब्बत का वो मिसाल पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो हमारे हिंदुस्तान में मिलता है, चाहे दुनिया किस तरह से इसको बांटना और चाहना चाहे। तो इनका ये कहना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो पैगाम था कि अमन शांति और चैन लेकर रहा जाए और पूरे पूरे विश्व में यही अमन शांति का पैगाम फैलाया जाए, वो इस त्यौहार के माध्यम से भी फैलाया जाता है, जो इन्होंने बताया कि हसन और हुसैन का नाम जी लेकर। आइए और किस तरह से जुलूस का प्रारंभ हो रहा है ये आपको हम दिखलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक छोटका धारा का तजिया है, एक चपड़ी का तजिया है और बहुत ही मशक्कत से कड़ी परिश्रम से बनाया जाता है इसे, और रात दिन एक करके बनाया है इन्होंने। जो हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि कैसे रात को जग जग कर और दिन को भी इन्होंने बनाया था। ये तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ और तीन चार तजिए हैं और ये सब अलग अलग गाँव के हैं जो एक जगह इकट्ठे होकर मिलाया जाता है और हसन हुसैन का नारा लगाया जाता है। और ये किसी प्रकार की और तैयार जो देखिए कितनी खूबसूरती से कहा गई है। यहाँ पे एक शीशे का ऐसे कटिंग लगाया गया है जो इस तजिए को और खूबसूरती बनाने में मदद करता है। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत से यहाँ पे झूमर टाइप की लगाई गई है जो और भी खूबसूरती बढ़ाने में इसका मदद करता है। और ताजिए यहाँ पे आपको देखिए वैसा दिखाने का प्रयास किया गया है किंतु उसमें अधिकांश सफल हुए हैं ये लोग, और बहुत ही अच्छे से शीशा की डिजाइन लगाई गई है और पीछे ब्लैकिंग कवर किया गया है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। ये हमारे साथ एक अंकल नाम क्या जी, नाम क्या हुआ? मंसूर आलम। मंसूर आलम जी, आप ये बताइए कि अब इसके बाद और क्या क्या प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया है यहाँ से मिलन हो करके फिर करबला जाया जाएगा, वहाँ पर फिर जो भी होगा वहाँ करबला में क्या क्या होता है? करबला में दफन किया जाता है। वो शाम को हम लोग देखते हैं, शाम को पैक खोला जाता है। उसके बाद सर वो अपना मिलजुल करके घर आ जाएंगे सब, तो अल्लाह से दुआएं किया जाता है। हाँ हाँ, तो जैसा इन्होंने कहा कि वो जो शाम का संध्या बेला होता है उस टाइम वो दुआएं में जो पैक खोलते हैं पैकेदार, वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इसी तरह से अमन और शांति का पैगाम पूरे विश्व में फैले और हमें जो सफलता चाहिए वो सफलता प्राप्त हो। और तो हम यही बोलना चाहते हैं कि मिजाज में शक्ति ठीक है किंतु पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है किंतु कट्टर होना ठीक नहीं। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मगध लाइव।